अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अपने अबू धाबी की यात्रा के दौरान अबू धाबी ऑयल फील्ड में 10% हिस्सा खरीदा, जिसके बाद अबू धाबी ने भारत में कच्चे तेल को स्टोर करने का फैसला भी लिया, जिसका उपयोग भारत आपातकाल के दौरान कर सकेगा। अब फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी ने एक बेहद शानदार फैसला लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान शनिवार को भारत और फ्रांस के बीच शिक्षा, क्लीन एनर्जी और रक्षा के सहयोग बढ़ाने जैसे 14 समझौते हुए। सबसे खास समझौता ये हुआ है कि मैरीटाइम अवेयरनेस के तहत भारत और फ्रांस अब एक दूसरे के नेवल बेस को वॉरशिप रखने और नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे पीएम मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस एक फैसले से पीएम मोदी ने चीन को जबरदस्त झटका दिया है। बता दें कि चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इससे भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंता है। चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत एशिया और अफ्रीका के कई देशों में अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा रहा है। इससे फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ रही है। हाल ही में चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में भी अपना नेवल बेस बनाया है। ऐसे में फ्रांस के साथ नौसैनिक अड्डों को लेकर हुए इस समझौते से पीएम मोदी ने चीन को सीधे टक्कर दी है। भारत और फ्रांस के संयुक्त फैसले में इसे खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। हिंद महासागर में चीन के विरुद्ध दोनों देश एक दूसरे के युद्ध पोतों के लिए नेवल बेस खोलेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि फ्रांस के पास ताकतवर समुद्री सेना और न्यूक्लियर सबमरीन हैं। फ्रांस इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बेहद सक्रिय है और यहाँ स्थिरता को लेकर भारत हमारा अहम सुरक्षा साझेदार है। ओमान के दौरे के दौरान भी पीएम मोदी ने चीन को घेरने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला था, जिसके तहत ओमान के दुक्कम पोर्ट का इस्तेमाल भारत अपनी सैन्य गतिविधियों एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कर सकेगा। इस पोर्ट से भारत चीन के प्रभाव एवं गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ चुनौती देने में भी सक्षम होगा। अब फ्रांस के साथ भी ऐसा शानदार समझौता करके पीएम मोदी ने चीन के समुद्री ताकत को कमजोर कर दिया है। इस फैसले से भारत और फ्रांस दोनों का ही फायदा है, वहीं चीन की ताकत घटेगी और चीन काबू में रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।